नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 इंडिया न्यूज में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं लखनऊ के सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर पर। लखनऊ की सनसनीखेज कमलेश तिवारी हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर यूपी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यूपी पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश सूरत में रची गई। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि इस वारदात में शामिल संदिग्धों से प्रारंभिक पूछताछ से पता चला कि हत्या की साजिश के पीछे मुख्य वजह कमलेश तिवारी का 2015 का भड़काऊ भाषण था और मिठाई का डिब्बा आरोपियों को दबोचने में मददगार साबित हुआ। डीजीपी ने कहा कि आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उधर यूपी के बिजनौर से मुफ्ती नईम काजमी और मौलाना अनवारुल हक को भी हिरासत में लिया गया है। मिठाई के डिब्बे से संदिग्धों तक पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ने कहा, सूचनाएं और सुराग मिलने के बाद शुक्रवार को ही छोटी छोटी टीमों को गठित किया गया था। हमारी टीम ने छानबीन में पाया कि घटना के तार गुजरात से जुड़े हैं। मिठाई के डिब्बे से जो सुराग मिले, उसके बाद मैंने स्वयं गुजरात के डीजीपी से बात की और महत्वपूर्ण सूचनाओं को हासिल करना शुरू किया। मिठाई का डिब्बा सूरत जिले की जिस दुकान से संबंधित था, वहां के आसपास की सीसीटीवी फुटेज की छानबीन से एक संदिग्ध व्यक्ति फैजान यूनुस भाई की पहचान की गई। अध्यक्ष हिंदू समाज पार्टी श्री कमलेश तिवारी की बहुत ही दुखद और निर्मम हत्या हो गई, और इस घटना के तुरंत बाद हमारे सभी अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्यों का विश्लेषण किया और विवेचना और कानून एवं व्यवस्था पर काम करना शुरू कर दिया। कल हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले थे और उन सुराग के आधार पर जब हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया तो हमें पूरी आशा थी, पूरा विश्वास था कि हम इस कांड को 24 घंटे के अंदर इसका पर्दाफाश करेंगे, इसका अनावरण करेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने और खासकर लखनऊ की पुलिस ने इस घटना का बहुत ही जल्द अनावरण किया है और इस दिशा में बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। हम लोगों की जो सूचनाएं मिली और जो क्लू मिली उसके आधार पर हमने अपनी छोटी छोटी टीमों को गठित किया और उन टीमों को हमने न केवल उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर उन टीम्स को और भी प्रगति लाने के लिए भेजा। शुरू से ही हमें ये आशंका थी कि इसके तार कहीं से गुजरात से जुड़े हुए हैं और हमारी टीम गुजरात भी पहुंची। और जब हमने घटनास्थल का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया और जब उनका विश्लेषण किया तो ये पाया कि मौके पर एक मिठाई का डब्बा और उसी के आधार का कुछ तकनीकी साक्ष्यों के तौर पर हमने कुछ महत्वपूर्ण सुराग पाए और उस डब्बे से जो भी हमें क्लूज मिले हम लोगों ने तत्काल गुजरात पुलिस से, मैंने स्वयं गुजरात के डीजीपी से बात किया, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हमारे एडीजी लखनऊ जोन, इन सबों ने तत्काल अपने अपने काउंटर पार्ट्स को गुजरात में संपर्क किया और जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसको हम लोग हासिल करना शुरू कर दिया। स्थानीय पुलिस एसएसपी लखनऊ ने अपनी टीम के साथ साथ जितने भी हमारे सीसीटीवी फुटेजेस थे उन सबों को बहुत बारीकी से लिया और कई ऐसे फुटेज मिले जिसका आप लोगों ने भी अपने चैनल्स में दिखाया है कि किस प्रकार एक पर्टिकुलर पोशाक पहन के हत्यारे आए और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। दोनों पुलिस, गुजरात पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के आपसी समन्वय बहुत ही स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन रहा और दोनों की संयुक्त टीम ने, एक ज्वाइंट टीम ने, हम लोगों ने तीन व्यक्तियों को, तीन अपराधियों को हिरासत में लिया है और उनसे बहुत ही सघन पूछताछ की जा रही है। जो तीन संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने हिरासत में लिया है और गुजरात में अभी वो पूछताछ के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, उनमें एक मौलाना मोहसिन शेख सलीम हैं जो सूरत के रहने वाले हैं, वो 24 वर्ष का आदमी है ये,
ये साड़ी की दुकान पे काम करता है सूरत में। एक दूसरा व्यक्ति जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है, उसका नाम फैजान है, वो भी चिलानी अपार्टमेंट सूरत का रहने वाला है और वहां सूरत में एक जूते के दुकान पर काम करता है। उसकी उम्र 21 वर्ष है। और तीसरा हिरासत में लिया है वो रशीद अहमद खुर्शीद अहमद पठान है, 23 वर्ष का ये संदिग्ध आदमी है। इसे कंप्यूटर के ज्ञान भी होना बताया गया है, लेकिन वस्तुतः ये दर्जी का काम करता है और वहीं सूरत में रहता है। इन तीनों के अलावा हमने दो अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया, लेकिन उनको कुछ पूछताछ के बाद हमने छोड़ दिया है और हम उन पर नजर रखे हुए हैं। अगर जैसी जरूरत होगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक विवेचना से जो हमें पता चला है वो ये स्पष्ट हो गया है कि ये तीनों व्यक्ति जो हिरासत में लिए गए हैं वो श्री कमलेश तिवारी की हत्या के षड्यंत्र में सम्मिलित रहे हैं। और दो मुख्य अभियुक्त और भी हैं जो लखनऊ की इस घटना को कारित करने में सम्मिलित रहे हैं। उनके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के पूरे प्रयास संयुक्त तरीके से और युद्ध स्तर पर की जा रही है। हिरासत में जो तीन संदिग्ध लिए गए हैं उनकी पूछताछ से, अभी तक के प्रारंभिक पूछताछ से, उनके क्रिमिनल हिस्ट्री का अभी पता नहीं चला है, लेकिन अभी ये इनिशियल इंटरोगेशन है, अभी इन्वेस्टिगेशंस प्रचलित है, हमारी टीम वहां मौजूद है। हम उस टीम को और भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ADG लखनऊ जोन और भी एडिशनल टीम्स को भेज सकते हैं फॉर अ वेरी इंटेंसिव इंटरोगेशन। और उसके बाद हम उन्हें रिमांड में लेकर, अगर हमें जरूरत हुई तो रिमांड में लेकर हम उत्तर प्रदेश लाएंगे और उनसे और भी पूछताछ करेंगे। एक चीज मैं यहां बता दूं कि जो FIR दर्ज हुआ है उस FIR दर्ज में षड्यंत्रकारी के रूप में दो व्यक्तियों को नामजद किया गया है। उनके नाम हैं मौलाना अनवारुल हक और मुफ्ती नईम काजमी। रात ही में हमारी टीम ने इन दोनों को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हम इन दोनों जगहों को, गुजरात, बिजनौर, लखनऊ और अन्य जो भी जगह प्रकाश में आएंगे, उन सबों का एक व्यापक विश्लेषण करने जा रहे हैं और क्रॉस क्वेश्चनिंग के आधार पर हम ये देखेंगे कि हमारी विवेचना में ठोस और क्या क्या एविडेंस मिलते हैं, हम इस हत्या को पूरी तरह अनावरित कर सकें। जो अभी प्रारंभिक जो हमें जानकारी मिली है पूछताछ से, उसमें ये मिली है कि रशीद पठान जो कंप्यूटर का जानकार है और साथ ही साथ टेलर का काम करता है, उसी ने ये इनिशियल प्लान बनाया था और इसको एक बहुत ही इनकरेज करने की चीज, या उसको ये कह सकते हैं कि उसको अंदर से एक प्रोपेलर के रूप में काम करने का काम मौलाना मोहसिन शेख सलीम ने किया। उसी ने 2015 के जो बयान थे मृतक के, जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज कहा था जो वीडियो में भी वायरल हुआ, उसके बाद मौलाना ने ये कहा कि ये वाजिबदार कत्ल होना चाहिए और इसे मारने की जरूरत है, और उसी के आधार पे उसे भी पूछताछ की जा रही है। फैजान, जिसे हमने पुलिस हिरासत में लिया है, जो अभी हमारी कस्टडी में है और पूछताछ की जा रही है, वो मिठाई की दुकान में मिठाई खरीदने में शामिल रहा है और उससे भी हम सघन पूछताछ कर रहे हैं ताकि हमारे बचे हुए जो संदिग्ध अपराधी हैं उनकी तरफ हम बढ़ सकें। तो कुल मिलाकर पूरी स्टोरी यही है कि विवेचना जो है इस बात को इंगित करता है कि ये पांचों छो व्यक्ति जो हैं वो सम्मिलित रहे हैं। बिजनौर का भी कनेक्शन हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं और उसके आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। जो दो व्यक्तियों को हमने
अभी फिलहाल इंटरोगेशन के बाद छोड़ दिया है, उसमें एक राशिद का भाई है और दूसरा एक गौरव तिवारी है जो सूरत का रहने वाला है। इस गौरव तिवारी ने मृतक को कुछ दिनों पहले मोबाइल से कॉल किया था और कॉल करने के बाद इच्छा जाहिर की थी कि हम आपके संस्था में यानी हिंदू समाज पार्टी में शामिल होकर सूरत और अन्य जगहों पर काम करना चाहते हैं और इसकी जिम्मेवारी मुझे दी जाए। इस पर क्या वार्ता हुई उसका कंक्लूसिव कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इन दोनों व्यक्तियों पर भी, इन दोनों संदिग्ध अपराधियों पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार ये 24 घंटे के अंदर हमारी टीम ने और ज्वाइंट एक ज्वाइंट ऑपरेशंस में जिसमें गुजरात एटीएस की हमें बहुत सहायता मिली है और अभी भी हम उनके साथ संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। इतनी दूर का कनेक्शन मिलने के बावजूद अभी तक इसका किसी खास आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी विवेचना जारी है। हम सभी पहलुओं को देखेंगे और उस पर विचार करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। यदि कोई आपको प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, वो 2015-16 के भड़काऊ भाषण ही हत्या की वजह है या कोई और वजह है? अगर है तो कितना टाइम पीरियड 2016 से 2019 तक? अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ से यही पता चला है कि मेन फोकस 2015 के भड़काऊ भाषण के कारण था और उसी से ये लोग प्लान कर रहे थे। और अभी हमारे कुछ और जो संदिग्ध अपराधी हैं, अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनसे और भी काफी चीजों को हम लोग को बल मिलेगा, जानकारी होगी।